सो गाइस आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पर सबसे पहला पार्ट हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट अभी जल्दी से डिस्कवर करते हैं, देखने की क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या इसमें होगा। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले 1808 में डाल्टन ने, जॉन डाल्टन एक बंदा था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी और 1808 में उसने वो थ्योरी दी। इसलिए दी डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने थ्योरी दी, इसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और इसने बोला कि भाई एटम जो होता है वो अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब एटम और टूट नहीं सकता। पर वो थ्योरी गलत हो गई और बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है एटम के अंदर जो पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर सबसे पहले पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर के जो दो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको हम मिला के कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम ई नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को एन नॉट से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पी पॉजिटिव से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो डाल्टन की थ्योरी बाद में खराब हो गई और डाल्टन की थ्योरी के बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने एथोड रेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को, और ये डिस्कवर किया था जेजे थॉमसन। थॉमसन वही बंदा था जिसने प्लम पुडिंग मॉडल आगे देखा दिया, बट यहाँ पे उन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर किया और उसे हमने बाद में बोला इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही से प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया और प्रोटॉन्स को बोला गया केनार्ड रेस। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो सबसे बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल, बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, किसके अंदर? न्यूक्लियस के। ठीक, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। एक इंपॉर्टेंट चीज बार बार एमसीक्यू में क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, एक तो चार्ज टू मास रेशियो, जिसे आशा लिख दिया मैंने, रेशियो है चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो, वैसे आप अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो, पर उस टाइम पे जब ये बात करी गई थी तो चार्ज नहीं पता था, ये सॉरी मास नहीं पता, जो मास नहीं पता तो इन दोनों की डिवीजन पता थी और वो क्या होती है 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर के। तो आप डिवाइड करके भी सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³¹। पर जब सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा सॉल्व हो जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाओ 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर केजी, क्योंकि चार्ज अपॉन मास है तो यूनिट कूलम पर केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बार बार यूज में आएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 9.11 लिखा है इसमें, 9.1 लेके सॉल्व करेंगे × 10⁻³¹ केजी। अब इस टॉपिक पे जितनी भी थ्योरी है, इस टॉपिक पे आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी जरूर थोड़ी सी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड लेवल पे ये क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद जो हम आते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं और वो है एटॉमिक मॉडल्स। क्या? एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th में, 9th में। सबसे पहले थॉमसन मॉडल। जेजे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। क्या दिया? प्लम पुडिंग। और उसने बोला कि जैसे एक वाटरमेलन के प्लम पुडिंग मॉडल से बोल सकते हैं, जैसे वाटरमेलन के ऊपर अंदर जितने भी उसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसमें उनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे ही उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और वाटरमेलन के अंदर के जो सीड्स हैं उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर की जो कवरिंग है उससे उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। बाद में ये मॉडल बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि रदरफोर्ड ने आगे बताया नहीं, न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके साइड में होते हैं। ठीक है, तो जेजे थॉमसन का मॉडल इफेक्टिव नहीं रहा। जेजे थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर सही से बता नहीं पाया, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग नहीं बता पाया, न्यूक्लियस के बारे में इसने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। फिर आते हैं हम दूसरा मॉडल जो कि काफी हद तक बढ़िया था, सही था, काफी हद तक बोलो परफेक्टली सही नहीं था, वो था रदरफोर्ड मॉडल। इसको हम 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे एज गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। क्या? गीगर मार्टसन।
ईगल और मार्सडन, मार्सडन कीगर और मार्सडन जो है ये दो साइंटिस्ट थे, और ये दोनों साइंटिस्ट जो थे उनका कुछ इस तरह से स्पेलिंग निकल लो, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो थे वो रदरफोर्ड की लैब में इसके स्टूडेंट हो सकते हैं, उसके साथ काम करते हैं, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे हम कहते हैं आज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। नाम सुना है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा अगर आपको पता है तो, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली बहुत ही पतली, और उस गोल्ड फॉइल के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को की बीम को, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को यहां से इन्होंने बॉम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल को। गोल्ड फॉइल को इस तरह से ये जो दिखा रखा है ये है स्क्रीन, और ये स्क्रीन बनी होती है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। ये है आपकी गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल गोल्ड जो है एयू होता है बेटा, और इधर से जब अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ को आए, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, याद रखना जब भी अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे टच होते थे तो यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, एकदम से लाइट बनती है, तो अच्छा अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल तो माइक्रोस्कोपिक दिखेंगे थोड़ी, हमें लाइट रेज आती है, हमें रेज थोड़ी दिखती है, तो वो क्या करा उन्होंने, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जांचने के लिए कहाँ पे अल्फा पार्टिकल पड़ रहे हैं, यहाँ पे एक स्पार्क होता है, और इसके साथ साथ वहां पे एक माइक्रोस्कोप लगा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो उसे इजीली विजिबल देख पाता था विजिबिलिटी के लिए। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, कुछ चीजें हैं आपने पहले ही पढ़ रखी है तो मैं जल्दी जल्दी इसको लेकर चलता हूँ। सबसे पहली चीज, ज्यादातर पार्टिकल्स उसमें अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। क्या निकल गए? अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कि गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल ऐसे कभी निकलने वाला कुछ हुए, कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट होते थे, और 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल होता था, हर 8000 में से 1 आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स बनते हैं जो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब अगर यहां से आएंगे तो 90 डिग्री का मतलब होता है ये वाला पार्ट इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, और 20000 में से एक ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि वापस जाते रहते थे अपनी, मतलब आए यहां पे गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल तक आए और फिर वापस चले, ठीक है, पूरा इंटर नहीं करते। ठीक, तो ये जो है ये कुछ उन्होंने बेसिक ऑब्जर्वेशन करे, और इन ऑब्जर्वेशन में 20000 में से एक बार, ठीक है, 8000 में से एक क्या था 90 डिग्री से ज्यादा, और 20000 में से रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, इन सारी ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये पता चला कि स्पेस इनसाइड द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस तो एम्प्टी है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, किसको पता है? अल्फा पार्टिकल होता है अगर आप हीलियम का एटम दो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो H2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे डिफ्लेक्ट होगा, किससे रिपेल होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से? पॉजिटिव चार्ज रिपेल, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा पॉजिटिव से, जब ये अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पे आके कहीं ऐसे जाता था और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाता था, इसका मतलब वो रिपेल हो गया, किस क्या हो गया, और रिपेल हो रहे पॉजिटिव है तो किससे रिपेल हो रहे, इसका मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों ज्यादा स्पेस तो खाली, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और वो बहुत छोटा सा स्पेस है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कंक्लूजन भी बता रहा हूँ, ज्यादा स्पेस खाली है, दूसरा क्या है, सारा का सारा चार्ज जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ज्यादातर मास भी उसी जगह पे स्थित है। इस चीज को बाद में बोला गया न्यूक्लियस, इवन ये भी बोला गया कि न्यूक्लियस और एटम में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उसका जो रेडियस होता है वो 10^-15 मीटर की रेंज में होता है, पर एटम का रेडियस 10^-10 मीटर की रेंज में, दिखने में हमें ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, बट इन दोनों में कितना फर्क है, 1:1 लाख का, 10^5 का फर्क है बेटा, और 10^5 का मतलब है 1,00,000 गुना का फर्क, ठीक है, कितने लाख गुना का फर्क है, 1,00,000 गुना, इसका मतलब अगर 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का जो है क्या बोलते हैं आपके पास न्यूक्लियस है तो 1 किलोमीटर का एटम, इतना फर्क, ठीक है, 1 किलोमीटर का रेडियस है एटम, और कितना बड़ा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का सब, तो ज्यादातर स्पेस खाली है, और इसलिए ये पता चला, और ये के न्यूक्लियस बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमते हैं,
और इसको हमने गीगर-वाट्सन मॉडल को आगे बोला रदरफोर्ड मॉडल। क्या बोला? रदरफोर्ड मॉडल। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें यही है, ठीक है, और ये बता दिया था। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि अब उसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया, तो ऐसा मॉडल दिया कि प्लैनेटरी मोशन जैसे होता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे उसने बोला न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, शेल्स घूम रहे होते थे। अब वो कह रहे हैं कि जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होता है कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल लगती है, ठीक है, और यहाँ पे लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगती है, जिससे न्यूक्लियस उसके अराउंड बाउंड रहता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड रहता है। इस मॉडल की आपको अलग से ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, और फिर उसके बाद उसका फाइनल जो उसने बताया वो पोस्टुलेट्स, वो सब आपको अलग से याद करने, तीन तीन या चार चार पॉइंट वो नोट्स में से कर सकते हैं, पेपर में अलग से भी पूछ सकते हैं। ये सिर्फ समझाने की बात हो रही है, इसलिए मैं इसको एक एक चीज लिख रहा हूँ, थ्योरी वाला ज्यादा पार्ट। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम क्या हुई कि रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या। रदरफोर्ड का मॉडल मैंने स्टार्टिंग में बोला कि काफी हद तक सही है, पूरा सही है। सबसे पहले बात रदरफोर्ड के मॉडल में ये बनता है कि रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे घूमे, भाई घूमे बढ़िया घूमे, कोई दिक्कत तो नहीं, पर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेंगे तो एनर्जी तो लगेगी, और अगर एनर्जी लगेगी, एनर्जी अगर वेस्ट होगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास को आते हैं, न्यूक्लियस कहाँ जाएंगे, पास, और जितना न्यूक्लियस के पास आएंगे एक टाइम आएंगे न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे। अगर ये पास को आते रहेंगे और अंदर घुस जाएंगे तो इसका भी एस्टिमेशन है, और वो एस्टिमेशन है मात्र कितने सेकंड। अगर इतने सेकंड तक ही एटम स्टेबल हो सकता है, मतलब ये तो है नहीं, इसका मतलब पूरी दुनिया तो खत्म हो जाती है, ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि कैसे अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड कैसे घूम रहे, एनर्जीज के बारे में क्या है, ये सब नहीं बता पाया। इस वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को कर दिया गया खारिज, गलत बोल दिया गया कि नहीं भाई ये मॉडल सही नहीं। इसी वीडियो में इसके अलावा एक और पार्ट कर रहे हैं, और वो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड देखेंगे सब लोग, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अब इसी वीडियो के अंदर हम इस जितना हमने पढ़ा होगा उसके एमसीक्यू करेंगे, तो न्यूक्लाइड देखें और फिर एक साथ उसके एमसीक्यू करेंगे, कुछ चार पांच एमसीक्यू जी। न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस का प्लूरल, बहुत सारे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लाइड है, और ये इस तरह से डिनोट होता है पूरा, जिसमें Q इज द चार्ज, कैटायन एनायन हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर लिखा होगा वो मास नंबर है, और जो इधर लिखा होगा वो चार्ज एटॉमिक चार्ज। अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो आप क्यू ए और जी निकाल सकते हैं, और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा वो कौन सा एलिमेंट है। ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे तो आपके काफी काम आएगा भी क्वेश्चन करके। इसके अलावा दूसरी चीज होती है, अगर आपको मान लो प्रोटॉन निकालने तो कैसे निकालोगे, सी देख लोगे, क्या देख लोगे, जो नीचे वाला नंबर है वो आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालने तो आप क्या करोगे, ऊपर में से नीचे नंबर माइनस करोगे, मतलब ए माइनस सी, और इलेक्ट्रॉन निकालने तो आप क्या करोगे, सी माइनस। तो इस दोनों तरह से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, मैं उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूँ, 3580 माइनस, यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा है बीआर में वो है आपका जी, कितना है ए, कितना बेटा एटॉमिक मास नंबर कितना है, ऊपर लिखा कितना है 80, और चार्ज कितना है बच्चा, चार्ज वाला, ये क्वेश्चन का चार्ज वाला जो फॉर्मूला है वो कहीं मिलेगा नहीं, तो आप लोग प्लीज इसको ढंग से इनसे ही पढ़ो, ठीक है।
अब इसमें से अगर मुझे निकालना है प्रोटॉन्स तो मुझे क्या करना है, प्रोटॉन्स क्या होता है कितना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या है, a माइनस c 80 माइनस 35 45। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, c माइनस q माइनस, बच्चा यहाँ पे माइनस वन को अलग से लिखना है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें से भी निकाल सकते, क्या ये बात क्लियर है। इसके अलावा कुछ और चीज है इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, देखते हैं जल्दी और फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं, पहले पार्ट को मानते हैं, देखते हैं जल्दी लिखते हैं इससे हमें इसको पूरा को पूरा। आप लोगों को एक पॉइंट है तो कुछ पूछना है तो इसमें से पूछ लो, ये क्लियर है, ठीक चलो बढ़िया। अब आते हैं जल्दी जल्दी आगे, थोड़ी सी क्विक वीडियो इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के लिए यूज कर रहे हो ये, तो ये आप फाइनल एग्जाम तक इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, इसको आराम से 1.25x पे चला रहा क्योंकि मैं भी थोड़ा तेजी कर रहा हूँ, तो ऐसा ना 1.5 पे चलाया और 2x पे चलाया और सभी निकल गया, तो 1.5 देख लेना कितनी स्पीड में सही रहता है, मतलब 1.25x सही रहता है, तेज भी नहीं होता और समझ भी आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है पर मास नंबर अलग होता है। सेम एटॉमिक नंबर को हम डिनोट कैसे करते बेटा, हाँ जी से, बट डिफरेंट क्या, बट डिफरेंट ए, एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737 इन दोनों का एटॉमिक नंबर नीचे वाला नंबर सेम है, तो ये है आपका आइसोटोप। एक और एग्जांपल कार्बन 6 12 6 13 और कार्बन 6 14 इन सब का एटॉमिक नंबर एक है, तो एक दिन से क्या हुआ आइसोटोप्स। अगली चीज होती है आइसोबार्स, इसमें उल्टा हो जाएगा, सेम आ जाएगा मास नंबर डिफरेंट जी, एग्जांपल के तौर पे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, बट मास दोनों का, तो ये दोनों क्या हो गए आपके आइसोबार्स, ठीक। नेक्स्ट होता है आइसोटोन्स, आइसो मतलब सेम हो रहा है, ये तो सबको पता चल रहा है, टोन्स, आइसोटोन्स में क्या है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, और अगर आप बोर्ड पे देखें तो भाई ना कोई न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लिखा है क्या, क्या लिखा है, आपको इन दोनों की डिफरेंस सेम करनी है। एग्जांपल के तौर पर कार्बन 6 14 ऑक्सीजन 8 16 14 अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, 14 माइनस 6 कितना होता है 8 16 माइनस 8 कितना होता है, तो आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोप्स, क्या यहां तक ये है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में भी आने वाली है, बार बार पूछ लेते हैं सेम बात होती है, कुछ दिक्कत नहीं होती, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ कि आइसो का मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम मास नंबर, सेम न्यूट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये पेपर में आने के, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं इनिशियली यूटीज में और जेई और नीट के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी चीज है बट फिर भी बच्चों को नहीं आता, देखो कैसे हो, इसमें इसका मास नंबर से कोई मतलब नहीं, सबको देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकालने का कोई फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पे, सी माइनस क्यू सी क्या होता है जो नीचे वाले और क्यू क्या होता है जो ऊपर की तरफ होता है, तो सी माइनस क्यू 8 माइनस माइनस कितना होगा 7 माइनस, बेटा ये माइनस को ना अगर आपने सिंगल माइनस किया तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए 10 10 10
डन से लेना है, 11 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 11 प्लस है मतलब 1 Mg, 2 सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप लोग किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं आराम से, तो ये बन जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ तक पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए ये वाला पार्ट हम रैप कर लें और फिर अगले पार्ट में हम जाएंगे। ओके, क्वेश्चन आ गया, एक एमसीक्यू पूछ लिया कि भाई कौन सी ऐसी सब्सटेंस है जो कि फॉस्फोरेसेंट है, फॉस्फोरेसेंट मतलब फ्लोरोसेंट कलर जो देती है, फॉस्फोरेसेंट भी बोल सकते हैं, तो कौन सी ऐसी सब्सटेंस है, बताओ कौन सी, किस चीज की ट्यूब लगाई थी, किस चीज की वो लगाई थी, जिंक सल्फेट, किसकी लगाई थी, जिंक सल्फेट, ZnS, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, जिंक सल्फाइड HIDE, ठीक है। इसके अलावा चार्ज टू मास रेशियो पूछ लिया, कितना होता है, कितना होता है मास रेशियो, देखो इसमें चार एमसीक्यू आ गए, सब में 1.76 ले रखा है, आगे 10 की पावर है, ये रहा 10 की पावर क्या है, बच्चा कंफ्यूज होकर -11 पे भी टिक कर देता है कभी कभार, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर क्या है, 11 एमसीक्यू है, इसी पर ठीक। इसके बाद एटॉमिक मॉडल में थॉमसन पे क्वेश्चन है, इसके अलावा रदरफोर्ड के कुछ क्वेश्चंस है कि क्या कंक्लूड किया, क्या नहीं किया, इसमें एमसीक्यू बन रहा है ठीक। और एक ये बीआर वाला क्वेश्चन आ गया, होमिंग वाला कह रहा है, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो जितने प्रोटॉन उतने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जी माइनस क्यू चार्ज जीरो तो सी आ जाएगा, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इसी के हैं, और क्वांटम मॉडल है, तो यही क्वेश्चन है ज्यादातर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मैं आपको दो तीन बुक दिखा रहा हूँ जो जो यूज हो जाए ठीक है। एक एग्जांपल तो आपको ये बता दिया, एग्जांपल हमें बनता है इसमें बीआर में ना यही लगा हुआ, तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 35 ही रहेगा, जीरो है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने लगा दिया तो अच्छा है, चलो कुछ ऐड हो जाए। एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है 18, प्रोटॉन्स है 16 और न्यूट्रॉन्स है 16, बताओ कौन सा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू ए और जी, क्यू कैसे निकलता है, क्यू कैसे निकलता है, p माइनस प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, तो 16 माइनस 18 कितना है, चार आगे माइनस 2, एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 प्रोटॉन्स। मास नंबर कैसे निकलता है इन दोनों का, तो एटॉमिक नंबर जो आता है उससे पता चलता है 16 एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर, ऑक्सीजन का मास है 16 सल्फर, और जी का लिखते हैं नीचे, ए का लिखते हैं ऊपर, और चार्ज का लिखते हैं इधर, ये है एग्जांपल नंबर, हो गया कोई दिक्कत नहीं ठीक। बैक क्वेश्चन है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन इस टॉपिक के वो करा दूं जिससे कि आपको दिक्कत ना पड़े। बैक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, 22 है, एक ये भी है क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसमें ये दे रखा है जी जो है 17 है और ए जो है 35 है, बताओ कौन सा है, जी 17, सल्फर क्या लग जाता है, क्लोरीन, बस ये ठीक है, चार्ज मिल जाता है इसमें ठीक है। ऐसे जी 4 है, ए 9 है, बेरिलियम 4 और मास कितना है इसका, फिर एक 92 दे रखा है, जी 92 होता है बेटा, याद रखना यूरेनियम का, और मास दे रखा है 232, तो ये क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन नंबर 3 4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नहीं सिर्फ 92 एटॉमिक नंबर है ठीक है। तो ये आपका हां जी एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक जरूर याद रखें, मास नंबर नहीं आता, मास नंबर क्वेश्चन में गिवन है, आप पता कर लो, ये भी हो गया। तो अभी फर्स्ट पार्ट के लिए ये पूरा पार्ट है, कोई डाउट्स हैं तो आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बाकी एमसीक्यू जरूर लगाते रहें,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो फिर आगे आप लोगों को मुश्किल होगी। जो भी टॉपिक है अगर मैंने एमसीक्यू दे रखे तो वो आप साथ साथ कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 के मैंने भेज सकते हैं, काइंडली एमसीक्यू लगा दें जिससे आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। एक बार एनसीईआरटी रीड करो, एमसीक्यू लगा दो, काम करो, तो आपको पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें आप एनसीईआरटी रीडिंग में मिस कर देते हो, वो एमसीक्यू से कम्प्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज कम से कम 100 एमसीक्यू तो लगाने ही लगाने। सेम